जाकर के वहीं पर हम आपको रहते रह करके 15 दिन बिताते थे। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, वहां से लेकर यहाँ पर एक पत्थर है, वहां पर उसको लेटते थे। और जैसे श्री राधा रानी कृष्ण विरह में राधा रानी छटपटाया करती थी, वहां पर छटपट छटपट करते थे विरह में, कभी प्रणाम करते थे उठते थे प्रणाम करते थे। अब देखोगे पूरा वो पत्थर के ऊपर में महाप्रभु का निशान पड़ा, उनका सर का, दोनों हाथ का, उनके घुटन का, भगवान की वक्षस्थल का पूरा वहां पर। ठीक है, कहते कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रीत जगता चित्र जगन्नाथ अभी विस्मित। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के सामने स्वयं नृत्य कीर्तन करते थे। जब नृत्य कीर्तन करते थे कहते ऐसे जो श्री चैतन्य महाप्रभु इनकी जय उत्तम है। कभी ये जब वो नृत्य कीर्तन करते थे जिसको देख करके समस्त जगत विस्मित हो जाते थे, बोले जगत तो विस्मित हो जाते थे महाप्रभु का नृत्य देख करके। स्वयं जगन्नाथ को सामने जब नृत्य करते थे जगन्नाथ भी देखा है ना, हाथ 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 के जगन्नाथ देखे कितने सुंदर महाप्रभु नृत्य करते, बोले क्यों जगन्नाथ क्यों विस्मित हो जाते थे, क्योंकि महाप्रभु है ये महाप्रभु राधा भागवत होकर के ये नृत्य कीर्तन करते थे। कभी ये रथ यात्रा है क्या चीज, रथ यात्रा क्या चीज है, कभी रथ यात्रा है जब कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कृष्ण कहाँ पर गए, जब गए मथुरा चले गए फिर द्वारका चले जाते ही कृष्ण बोल कर गए थे, जब गोपियों ने पूछा अब कब आओगे, बोले मैं आज जा रहा हूँ, कल तक सब हमारे उधार करके बस आ जाऊंगा।
इसलिए ब्रज में भी एक स्थान है जिसका नाम सी पशु, मतलब कृष्ण जहाँ पर बोल कर गए थे मैं पशु आ गया, लेकिन पशु बोल कर तो पशु निकल गया लेकिन कृष्ण जब नहीं आए और ब्रज में यहाँ देखते रहे कब से आप अंदर आएंगे, कब से आप अंदर आएंगे, ऐसे ही कितने दिन बीत गया, 100 साल बीत गया ऐसे है कृष्ण आए नहीं। जब नहीं आए एक समय पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ, जिस समय जो राहु के पूरा पूरा सूर्य को ग्रास कर लेते, जब ग्रास कर लेते हैं कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण होता है। कुरुक्षेत्र गए हो ना के सूर्य ग्रहण कभी गई क्या क्या तुम लोग, इसलिए जब सूर्य ग्रहण में उसमें सबके सब जाते हैं वहां पर सुंदर ब्रह्म सरोवर वहां पर बना हुआ है, वहां पर स्नान करके साधु संतों को दान पुण्य करते हैं, सब पाप नष्ट हो जाता है, जीवों को भक्ति मिलता है और उसमें सारा दुनिया के लोग आए थे। जब सूर्य ग्रहण हुआ सारा दुनिया का लोग वहां आए थे, वहां पर ब्रजवासी लोग भी आए, भैया दशदानंद बाबा राधा रानी गोपियां भी आई, और इतने में कृष्ण भी द्वारका से भी कृष्ण आए थे कहाँ पर सूर्य ग्रहण द्वारका में आए। जब द्वारका में आए इतने में कृष्ण को पता चला, क्या पता चला कि श्री मेरे ब्रजवासी लोग भी आए, मेरे ब्रजवासी लोग भी आए स्नान करने के लिए पूरी तरह से। अभी कृष्ण बड़े उत्कट आए, कब से सोच रहे थे हम ब्रजवासियों से मिलेंगे, ब्रजवासियों से मिलेंगे, बड़े दिनों के बाद में आए। और जब सूर्य ग्रहण छूट जाता है सबके सब स्नान करते हैं, बड़े साधु संतों को दान देते हैं, देख करके इतने में कृष्ण सबको साथ में मिल करके अभी अपना ब्रजवासियों को साथ में मिलने के लिए गए। जब ब्रजवासियों को साथ में मिले मैया दशोदा से मिले, इतने कितनी उम्र में कृष्ण का उम्र हो गया 100 साल की और मैया कितने साल की हुई है, लेकिन इतनी उम्र में कृष्ण ने जो गोद में लिया ना, अब देखना बेटा जितने बड़ा हो जाओ, कितने बेटा बड़ा हो जाए माँ के सामने बेटा बने, भले ही बेटा डॉक्टर हो गया सारा दुनिया को देखता है, लेकिन अगर खटिया समय में बेटा अगर बाहर जाएगा भैया क्या बोलेगा, बेटा साथ में चदर लेकर जा, सर लेकर के जा, बढ़िया से कपड़े ओढ़ करके जा, ठंडा नहीं लग जाए, क्यों माँ के लिए बेटा हर समय बेटा ही रहता है, भले ही बेटा जितना बड़ा क्यों नहीं हो जाए। इसलिए इतनी उम्र में भी कृष्णा जब भैया के गोद में बैठ गए, भैया के स्तन से दूध झड़ने लग गया है, दूध झड़ने लग गया, फिर उन्होंने नंद बाबा से मिले, फिर अपना ग्वाल बालों से मिले, फिर पीली तरीके उन्होंने श्री ब्रज गोपियों से उन्होंने मिला, इसको आगे सब प्रसंग आएगा। जैसे उन्होंने उनको साथ में मिले, मिलने के बाद फिर गोपियां बुलाना देती है, देखो दुनिया भले ही सबको भूल जाए लेकिन ये पिता माता ऐसे के जीव है, ये पिता माता को कोई भूल सकते, क्योंकि पिता माता ने बच्चों को मैया गोद गोद में धारण किया 9 महीना तक, उनको बड़ा किया, लाड़न पालन किया, उसको लिखाया पढ़ाया, इसलिए दुनिया सब भूल जाए लेकिन अपना बीवी सब बीवी को भूल जाए, लेकिन पिता माता को बच्चा भूल नहीं सकता, क्यों सबसे ज्यादा ये किसको पास में, पिता माता को पास में। इसलिए गोपियां कहती भले ही हम तुम्हारी पिया है, भले ही तुम हमें भूल सकते हो लेकिन तू तो अपना पिता माता को कैसे भूल गया, नंद जशोदा को तो कम से कम भूलनी नहीं चाहिए ना है। इसलिए कृष्णा तरह तरह का बहाना बना करके बोले वहां में फंस गया था कलशों को मारने के बाद, वहां पर जरासंध ने आक्रमण किया, फिर वहां पर कंसों को उद्धार करना पड़ा, फिर बड़े बड़े दंत पकड़ शिशुपाल को मारना पड़ा, इसलिए फिर हमें आने नहीं दिया, हम तो चाह रहे थे आने के लिए लेकिन हमें इस तरह से आने ही नहीं दिया, आने में हमारी देर हो गई, कृष्ण माफी मांगते हैं। इतने ब्रज गोपियों को साथ में मिल करके राधा रानी करती है, अभी राधा रानी से है, राधा रानी से मिल करके कृष्ण राधा रानी को पास में अपना अपना जो क्षमा भिक्षा प्रार्थना करते हुए राधे हैं, मैं तो बोल कर गया था बच्चों बोल कर बच्चों बीत गया, लेकिन मैं तो आना ही चाह रहा था, इस तरह से मैं आ नहीं पाया। जब राधा कृष्ण को साथ में मिलन हुई,
आगे बहुत विस्तृत रूप में आएगा। उसके बाद में तब राधा रानी कहते हैं, श्याम सुंदर अगर आप मेरे को आनंद देना चाहते हो, आनंद देना चाहते हो, लेकिन यहाँ मिल करके मेरे को आनंद नहीं मिल रहा। बोले क्यों? बोले यहाँ पर तो तेरे शरीर तेरे स्वरूप में कोई ब्रज का चिन्ह नहीं, पर बंसुरी है। वृंदावन में जब कृष्ण रंग में बंसुरी बजाते हैं, तो तेरी बंसुरी कहाँ है? तेरे मयूर मुकुट कहाँ है? हैं? तेरे शरीर में तो कोई ब्रज का चिन्ह नहीं, इसलिए यहाँ पर तो रथ का गड़गड़ाहट सुनाई दिया है। यहाँ पर सैन्य सामान घोड़ा और आपका जो ड्रेस है ना, वो राहत वेश है, लेकिन ये वेश प्यारा नहीं है। लेकिन आप जो वृंदावन में रहते हो, जब आप वृंदावन में रहते समय आपका जो वृंदावन का जो वेश है हमें आनंद देता है। जो तुलस से हम गोपियाँ श्रृंगार करती हैं पूज्य में है, जो ये वेश हमें आनंद देता है। अगर हे श्याम सुंदर अगर आप हमें आनंद देना चाहते हो, एक काम करो, हमारे हृदय रूप में मेरी हमारी हृदय रूपी रथ में बैठो। आपको ये हृदय रूपी रथ में बैठा बैठा आपको ले जाएंगे वृंदावन। वृंदावन में जहाँ जमुना नदी कलकल नाद से बह रही है, जहाँ पर कोयल सुंदर सुंदर उड़ रहे हैं, जहाँ पर मोर केका कर रहे हैं, जहाँ पर बेली चमेली जुई सुंदर सुंदर जहाँ फूल खिले उठे, जहाँ पर रिमझिम रिमझिम बारिश हुआ हो, बड़ी सुंदर पूर्णिमा की चंद्रमा का छिटक रहा है, सुंदर जहाँ गुंज रहे मालती केतकी बल्ली जुड़ी सुंदर फूल जहाँ पर खिले हुए, जो वृंदावन में जब आपके साथ में हम कुंज में मिलेंगे हमें तभी आनंद। इसलिए अगर हमें आनंद देना चाहते हो, हमारे हृदय रथ में बैठो और आप अपने चलते हैं वृंदावन। ये जो रथ यात्रा यही रथ यात्रा है, हृदय रूपी रथ में उसको बैठ करके वृंदावन ले जाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो, बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बोले श्री दाऊ भैया की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। सुभद्रा देवी की जय। बोले श्री सुदर्शन चक्र की जय। एक चंगा पर बैठो, सोना हाथ में बंद करना। इसलिए कहते हैं यहाँ पर जब हम मथुरा में पहला बार आए थे, अपना बात को पता, मैं हर साल रहता था जगन्नाथ जी हमारे गुरु, लेकिन जब पुरी से मैं मथुरा आया तो महाराज जी जब रथ यात्रा का समय आया ना, करीब देखिए हमारे भक्ति प्रधान नारायण गोस्वामी महाराज जो रथ यात्रा का प्रसंग करीब ना 10 दिन तक उन्होंने पाठ किया, इतने सुंदर उन्होंने जगन्नाथ की रथ यात्रा के ऊपर विषय में बोले, चैत्र चैतामृत से इतने सुंदर बोले। जगन्नाथ की रथ यात्रा में मुझे जो आनंद आया था उससे लाख गुण ज्यादा आनंद आया जब महाराज से उनके कथा पूछा। क्योंकि असली रथ यात्रा क्या है, हम लोग तो साधारण लोग सोचते गए रथ थोड़ा खींच लिया थोड़ा कीर्तन कर गया हमने, बोले नहीं, असली रथ यात्रा किसको कहते हैं? और महाप्रभु किस भाग से ये रथ यात्रा महोत्सव को पालन करते थे, जब पूरा पूरा उन्होंने ये त्रयोदश क्षेत्र वर्णना किया, साक्षात वृंदावन धाम ब्रज ही पूरा वहां पर उतर गया, कथा के माध्यम से ब्रज ही वहां पर उतर गया। इतने हमें आनंद, इतने हमें आनंद लगा, मैंने सोचा इसके शास्त्र कहता है जिस तीर्थ वैष्णव नहीं से तीर्थ देना है, जहाँ पर वैष्णव का संग नहीं, जहाँ पर भगवान की कथा नहीं, वहां जाने का कोई जरूरत नहीं। जहाँ भगवान की कथा हरि कथा होती है, महाप्रभु की कथा हो, वहीं पर ही असली वृंदावन धाम में। इसलिए अभी ब्रज गोपियां कृष्ण को बैठा करके ले जा रहे हैं, वृंदावन ले जा रहे हैं, यही रथ यात्रा है। अभी आप श्रवण करके महाप्रभु कैसे आज रथ यात्रा कैसे मना रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जिस समय स्वयं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के सामने नृत्य करते थे, जगन्नाथ को देखे ना आपका पलक बंद नहीं होता, ऐसे आप हार गए जगन्नाथ, ऐसे आप हार गए। क्यों? कृष्ण राधा रानी की प्रेम नहीं, क्योंकि ये रूप हुआ है ऐसा हम को सुनेंगे, इनका ये रूप क्यों हुआ है, इसका पीछे क्या कारण, ऐसा हम सबका ठीक है शाम को पता करेंगे, इनका रूप कैसे बन गया क्या कारण है, वैसे आप हार रूप देख रहे हैं,
ऐसे आग ऐसे करके क्यों देख रहे हैं, आग ऐसे क्यों हो गया, प्यार कहाँ गया है, शाम की सब पता है, ठीक है। सतलोग शाम का पिछले अभी जगन्नाथ जी स्वयं भी महाप्रभु का नृत्य कीर्तन देख रहे तो भी आश्चर्य पड़ जाते हैं, इतने सुंदर कीर्तन है, क्यों चुके श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी की भाव से नृत्य करते हैं। इसलिए कर्तव्य राधा कृष्ण दोनों दल में कभी होता है, कौन सुंदर नृत्य करता है, कृष्ण तो सुंदर नृत्य करते हैं, तो देखो कभी दुनिया में देखो कैसे नाचना पड़ेगा एक राम को, और राम से नाचते समय उसको बाहर प्यार नहीं रहना चाहिए, और जिस समय नृत्य करोगे ना गले में जो फूलों की माला हिलनी नहीं चाहिए, ऐसे नाचना पड़ेगा, कान की कुंडल नहीं हिलनी चाहिए तुम्हारी है, ये मयूर मुकुट नहीं हिलनी चाहिए, ऐसे तुमको नृत्य करना पड़ेगा काम पर एक राम को अंदर तब पता चलेगा तुमने नृत्य किए हो है। इसलिए जब राधा कृष्ण जब पंचम स्वर में गाते हैं, राधा रानी सप्तम स्वर में, यहाँ तो सप्तम स्वर पंचम स्वर क्या है, कद सारे गापा ये पंचम स्वर हो गया, इसलिए पूरा अंतिम कृष्ण जितने स्वर से गाते हैं राधा रानी उससे और इतने ऊंचा ले जाता है राधा रानी, कृष्ण गला नहीं पहुंचता है, इतने में कृष्ण ताली बजाना शुरू करते हैं और अपना गले की माला उतार करके मोती की माला राधा रानी को देना शुरू, वाह क्या तुमने खाई मेरे को तुमने तैल कर दिया है। इसलिए जब राधा रानी नृत्य करती है महाप्रभु राधा जी के बेस में भाव से नृत्य करते हैं, इसलिए जगन्नाथ की जिनके नृत्य में देख करके राधा जी भाव में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, अपना हृदय में कृष्ण को बैठा करके ले जा रहे हैं, इसलिए जगन्नाथ भी इसको देख करके विस्मित हो जाते हैं, बोले जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय श्रोता गण सुना करी कमान रथ जाता है मुक्त प्रभु परम। यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं बोले हे श्रोताओं की कथा बड़े ध्यान से बड़े सतर्कता पूर्वक कथा को ध्यान से सुना, बोले क्यों कल जब रथ यात्रा में महाप्रभु ने जो नृत्य कीर्तन किया है बड़ा सुंदर अपूर्व नृत्य कीर्तन किया है, श्री चैतन्य महाप्रभु आरती महाप्रभु लैया सावधान रात्रि उठी गणेश संगे कल्ला प्रात स्नान, कल क्या हो गया था उठने जाकर मार गया महाप्रभु भक्तों को लेकर उन्होंने बहुत अच्छे तरह से मंदिर को उन्होंने साफ सुथरा किया है, मंदिर मतलब अपना हृदय कुंज को उन्होंने इस करके उसमें जितने गंदगी था वो गंदगी को मैला को हटाया, आज जगन्नाथ जी बैठे उसी हृदय रूपी कुंज में ठाकुर जी बैठेंगे, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया भक्तों को साथ में उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन एकदम सबर सबर उठ गए, सबर सबर उठ करके क्या किया उन्होंने, जैसा मंदिर में क्या करते भक्त लोग मंगला आरती से पहले उठ करके नहा धो लेते हैं तिलक कर लेते हैं, आप लोग भी सबरे नहा धो करके तिलक करके आए हो भक्त तो बहुत है लेकिन तुम लोग जो मंगला आरती में आते हैं ना उनका विशेष बात, इसलिए सबरे जो आरती का नाम है मंगला आरती मतलब क्या सवेरे ये मंगलारती जो दर्शन करेगा उसको जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता, कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका नाम क्या है मंगल आरती, इसलिए हम जो भजन गाते हैं ना बोले शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत रखते, जब पहले ठाकुर को वरदान खुलता है खुलने पर सामने जितने भक्त सामने खड़े होते रहते हैं क्या होता है ठाकुर का नजर सामने भक्तों के ऊपर में पड़ता है, और जो खड़े हुए रहते हैं ठाकुर को सामने जब पहला नजर उनके ऊपर पड़ता है कहते मैं कहता मंगल मंगल भवन अमंगल हरी जब उसका जीवन का सारे अमंगल खत्म हो जाता है, अमंगल उसका जीवन का खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है बोले शुभ दृष्टि पर प्रभु जगत रख रखी जागरूक हृदय पर सुमंगल आरती, हे प्रभु आप कृपा करके हमारे घर में कृपा दृष्टि करो हृदय का सारे अमंगल दूर हो जाए, हृदय इसलिए जो मंगला आरती आप नंबर वन पास, इसलिए
जो मंगल आरती दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए हमारे महाराज कहते नारायण कृष्ण महाराज बोले मंगल आरती जो दर्शन नहीं करते कभी जीवन में उनका मंगल ही नहीं हो सकता, कभी मंगल ही नहीं हो सकता जो मंगल आरती दर्शन है, इसलिए उसका नाम ही मंगला है, हैं? उसका नाम ही मंगला है। मंगल आरती बहुत महत्व है। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं कि रोज जगन्नाथ की मंगला में जाएंगे ही, एकदम रोज भगवान की शिक्षा देते भैया मंगल आरती में जाओ, मंगल आरती के बगैर तुम्हारे मंगल कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, एकदम महाप्रभु सवेरे सवेरे उठ गए, अपना भक्त लोगों को लेकर हो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब भक्तों को लेकर गए, जल्द जल्द स्नान करो है, जल जल्द नहाओ, जगन्नाथ की पंडित विजय जगन्नाथ जी आएंगे मंदिर छोड़ करके हम सबके सब दर्शन करने के लिए जाएंगे, सबके सब स्नान करो, क्योंकि बहुत सारे भक्त रहते हैं वहाँ पर, बहुत सारे भक्त जब उत्सव हो ना अब पूरी में कभी जाओ मंदिर में बहुत सारे वहाँ पर 100-100 भक्त आकर रहते हैं, और जैसे बात लोग बहुत ज्यादा नहीं होगा कभी पायखाना करने के लिए इसलिए कभी लाइट देना पड़ता है, इसलिए जब नवद्वीप में गए कि नहीं गए आपको बताओ, जैसे भक्त लोग आ करके जल जल सगरे नहा धो करके तिलक लगा करके चलो ठाकुर जी के मंगल आरती और सुबह परिक्रमा में चलो सबके सब, ऐसे ही यहाँ पर एकदम सवेरे सवेरे उठ करके महाप्रभु अपना भक्तों के साथ में स्नान करते हैं, स्नान करके बोले पांडु विजय देखिवारी कैलगमान जगन्नाथ यात्रा कैल छाड़ी सिंहासन, जगन्नाथ ने क्या किया अपना सिंहासन को छोड़ करके जगन्नाथ जी इसको कहते हैं पांडु बाप पहनती पहनती मतलब इसलिए कहते हैं पांडु बाप पहनती विजय, मतलब जगन्नाथ जी कैसे अपना सिंहासन को छोड़ करके धीरे 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 जगन्नाथ जी हिल हिल करके आप देखना जगन्नाथ आज देखोगे थोड़ी देरी बात यूट्यूब पर टीवी में भी आए टीवी में भी आए देखोगे जगन्नाथ जब आ रहे हैं ना देखोगे ऐसे कभी ऐसे गिरते जैसे एक व्यक्ति नशा करने से देखना जो शराब पीते कैसे करते ऐसे ऐसे करते हैं ना आप देखोगे जगन्नाथ जी कैसे आते हैं बोले क्यों तब साधारण जो शराब पान करते हैं उससे तो क्या होता है थोड़ी देर बाद में नशा उतर जाती है पानी जरूरत इसलिए नशा उतर जाती है, लेकिन जो भक्ति की जो नशा है कभी जो भक्ति की नशा कभी ये उतरते नहीं, ये नशा धीरे धीरे बढ़ती रहती है, ये नशा कभी उतरते नहीं, ये नशा बढ़ती है नशा है, इसलिए जगन्नाथ जी हिलते डोलते कौन सा नशा है कहते हैं प्रेम की नशा है, भगवान की प्रेम की नशा में झूमते झूमते से जगन्नाथ जी रथ यात्रा में रथ ऊपर में जगन्नाथ जी रथ ऊपर में आते हैं जगन्नाथ जी, इसलिए इसको कहते हैं पांडु विजय है, इसलिए पांडु विजय धीरे धीरे जगन्नाथ जी कैसे आते हैं। अभी महाप्रभु अपना परिकरों के साथ पहले तो टिकट नहीं होता था अभी टिकट है, अगर कोई ये जगन्नाथ जी कैसे आते हैं धीरे 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 अगर किसी को देखना चाहते हो अगर जो लोग बाहर खड़े होते हो तो अपने आप दर्शन हो जाता है, लेकिन जो जब अंदर से आते हैं कैसे अगर उसको देखना तो टिकट लगता है थोड़ा टिकट लगता है, वो टिकट लेकर अंदर में जाते हैं जगन्नाथ जी की पांडी विजय को दर्शन करते हैं, इसलिए कैसे जगन्नाथ जी सिंहासन को छोड़ करके कैसे धीरे धीरे रथ को पर कैसे आते हैं, कहते अपनी प्रताप रुद्र लैजा पात्र महाप्रभु बनने पर आए विजय दर्शन, कहते प्रताप रुद्र उस समय का जो राजा थे महाप्रभु ने जो राजा प्रताप रुद्र उन्होंने क्या किया अपना परिकरों को लेकर के महाप्रभु कैसे सुंदर रूप में जगन्नाथ जी का यात्रा को दर्शन कर सके ये प्रताप पुत्र महाराज अच्छे तरह से व्यवस्था करते थे, कहते प्रताप पुत्र कौन है, कहते महाप्रभु जब आए जैसे भगवान कृष्ण राम जब आते हैं कहते भगवान कृष्ण और राम वो कभी अकेले नहीं आते अपना परिकरों को लेकर आते, इसलिए महाप्रभु जब आए कहते महाप्रभु अकेले नहीं आए अपना भक्तों को लेकर आए, कहते प्रताप पुत्र कौन थे बोलो ये प्रताप पुत्र कौन थे पहले लीला में कौन थे, कहते ये इंद्र दुम्न ये
इंद्रद्युम्न महाराज जिसने सत्यद्युम्न में जिन्होंने वो मंदिर को स्थापित किया जगन्नाथ की मंदिर जिन्होंने बनाया है वही इंद्रद्युम्न महाराज थे। जब वही जगन्नाथ ही श्री महाप्रभु का रूप में आए जगन्नाथ जी महाप्रभु का रूप में आए इसलिए कि प्रताप रुद्र महाराज स्वयं कृष्ण लीला में इंद्रद्युम्न महाराज आए इसलिए तभी तो महाप्रभु का प्रतीक्षा करती है ना। इन्होंने क्या बोले अगर चैतन्य महाप्रभु मना कर दिया इनको दर्शन देने के लिए बोले ये विषयी हम विषयी लोगों को दर्शन देते नहीं। लेकिन उन्होंने क्या बोले अगर हमें महाप्रभु दर्शन नहीं देंगे मैं कान में कुंडल पहन करके संन्यास लेकर के चला जाऊंगा मैं राज्य छोड़ दूंगा अगर महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ तो जीवन धारण करके क्या लाभ है। लेकिन हम बाद में सुनेंगे महाप्रभु की कैसे कृपा की है ये कथा ये बाद में आएगा। इसलिए यहाँ पर श्री राजा स्वयं अच्छे तरह से व्यवस्था कर दिया महाप्रभु कैसे अच्छे तरह से जगन्नाथ जी की पांडित विजय को कैसे दर्शन करे उन्हें सब कुछ उन्होंने व्यवस्था कर दी। मतलब अद्वैत निताई आदि जत भक्तगण सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन बलिष्ठ दैतागण जना मत हाथि जगन्नाथ विजय करिया करी हाता हाथि। अद्वैताचार्य नित्यानंद जितने भक्त लोग हैं बड़े आनंद पूर्वक कैसे जगन्नाथ जी आ रहे दर्शन कर रहे। देखो जगन्नाथ जी कौन है महाप्रभु बलदेव प्रभु कौन नित्यानंद नित्यानंद प्रभु ठाकुर ठाकुर कैसे ले आते हैं ठाकुर जी ठाकुर को ठाकुर को देखकर खुश होते ठाकुर जी ठाकुर खुद का खुद वही नित्यानंद महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव है ना वो खुद को देख रहे हैं कैसे ठाकुर जी धीरे धीरे ठाकुर जी कैसे आ रहे हैं खुद को खुद देखकर खुश हो रहे हैं। क्यों कारण क्या है गत भगवान की कथा में भगवान की लीला में भगवान के नाम में इतने आनंद है कहते राम ना सकई नाम गुण गाई कहते भगवान का नाम में कितने गुण है कितने कल्याणदायी भगवान भी अपना नाम महिमा नहीं गा सकते। इसलिए अपना लीला में कितने आनंद कृष्ण लीला में कृष्ण को लीला लेकर स्वयं प्रभु हो जाते ये प्रभु के अंदर ये विश्व है। इसलिए कलयुग में महाप्रभु रूप में क्यों आए इसलिए महाप्रभु रूप में कृष्ण आए। इसलिए राधा रानी कैसे कृष्ण प्रेम का आस्वादन करेंगे कृष्ण लीला को कृष्ण कथा को कृष्ण प्रेम को कैसे आस्वादन करते हैं। इसलिए कृष्ण देखते हैं मेरे को जितने आनंद राधा रानी को करोड़ों ज्यादा आनंद हो। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव भावता को लेकर कलयुग में महापुरुषा रूप में आए स्वयं स्वयं को देख कर यहाँ पर प्रसन्न हो रहे ठाकुर जी कितने सुंदर झूम झूम करके आते हैं। अब आप देख लेते ठीक है टीवी पे देखना है ठाकुर जी कैसे झूम झूम कितने झूम झूम कर ठाकुर जी बड़े सुंदर रूप में ठाकुर जी कैसे आते हैं। उसी समय में कहते बलिष्ठ दैता गण जन मत हाथी अब देखो यहाँ क्या देखो जो लोग ले आते हैं ना कितने मोटे मोटे लोग उनका हाथ कितने मोटे क्या लंबे चौड़े अब देखोगे उन लोगों को जैसे एकदम मतलब गजा हाथी उदाहरण क्या देते हैं जैसे मतवाला हाथी जैसे है ना ऐसे इतने मोटे सबके सब हैं बड़े लंबे चौड़े सबके सब बड़े मोटे क्या वो लोग है ना वो कुश्ती लड़ते हैं और टटक बैठक करते हैं और सबके सब जीव करते हैं सबके सब पहलवान करते हैं। क्योंकि कभी मुसलमान लोगों ने कि जगन्नाथ जी को हमारे हिंदू धर्म के ऊपर भी लोग बहुत खराब कर रहे हैं इसलिए कभी इन्होंने ये जगन्नाथ जी को मंदिर से लेकर के अलग अलग जगह पर उन्होंने छुपा दिया था जब मुसलमानों ने आक्रमण किया है इसलिए ये लोग तो लड़ाई दंगला करके एकदम सैनिकों को अगर कोई आएगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे हम भी जगन्नाथ के लिए हम भी प्राण को हम दे देंगे इसलिए वो एकदम सैनिकों को बना कर रखते हैं। आप देखना जब जगन्नाथ जी जाएंगे आप देखते सैनिक इसलिए उनको क्या कहते हैं उसको कहते हैं दैता दैता मतलब अत्यंत प्रिय है। यदि ये दैता नाम उनको क्यों पड़ा देखो हम लोग पहले सुन रहे थे ना जब श्री इंद्रद्युम्न राजा ने ये नील माधव कहाँ पर है हम पहले नील माधव कहाँ पर उन्होंने चार दिशाओं में भेजा तब उन्होंने अपना एक विद्यापति को
कहते विद्यापति को उन्होंने कहा पर भैया तो लगा कि दक्षिण दिशा में ठाकुर जी वो ब्राह्मण वर्ग था ये विद्यापति बड़े बुद्धिमान का मंत्री था तो देखो जरूर ठाकुर को ढूंढ करके निकालता ना। उन्होंने बहुत कष्ट करके ठाकुर को ढूंढ करके निकाला। हठात जब ढूंढते ढूंढते पहाड़ पर जंगल में घूमते घूमते जब रात हो गया दूर से देखा दूर से लाइट समझ गए लगता है कोई ये फसल है कोई लोग रहते हैं। जब वहां पर गए तब उन्होंने ये विद्यापति के वहां पर एक विश्वास नाम एक ये था सबर सबर को क्या कहते हैं विद्यापति है कहिए क्या कहते हैं सबर सबर मतलब होता है जंगल में है जंगल में जो रहने वाले हैं आदिवासी इसलिए कहते वहां पर कि जाति में हिंदी में गर्भ में नहीं आ रहा हिंदी में इसको कहते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में तुम्हारी भाषा हाँ कभी जो सब एक सबर है जो जंगल में रहते हैं ना जंगल में रहते हैं और जैसे पशु पक्षियों को मार कर खाते ही बोल भीम जैसे ऐसे बोलते हैं तो बोलते इसलिए ये करना उनका नाम था विश्वावसुर। कहते ये रोज क्या करते थे जो नील माधव को रोज ये उनकी पूजा करने के लिए जाते थे रोज सबर निकल जाते थे और उनको सुंदर रूप में रोज उनको अभिषेक करके सुंदर फूल से श्रृंगार चंद्र से श्रृंगार करके और फल को उनको भोग लगाकर शाम को वापस आ जाते थे। वो गए हैं तो नील माधव को पूजा करने के लिए उनकी एक सुंदर प्यारी एक बेटी थी जिसका नाम थी ललिता। जब ये शाम को इसी गांव में पहुंचे हैं भीलों के गांव में जैसे भील सबर है ना भीलों के गांव में पहुंचे उनने पूछे आपका गांव में मैं रात को रुकना चाहता हूँ कोई व्यवस्था क्या है। बोले हाँ जो विश्वावसु जो भील है वो बड़े धार्मिक है आप उनके घर में रुकने का भी व्यवस्था है अब रात को रुक सकते हैं। जब वो रुकने के लिए गए देखा उनके घर में उसका पिता माता जी है नहीं पिता गए था उनको पूजा के लिए घर उनके के बेटी जिसका नाम थी ललिता थी। जब वो बोले आपका एक रात में रुक सकता हूँ बोले देखो अभी हमारे पिता बाहर गए थे अभी मैं अकेला बेटी हूँ अभी आपको घर के अंदर अब जा नहीं सकती हूँ आप बाहर बैठे रहो जब हमारे पिताजी आएंगे फिर आप पिताजी जैसे करेंगे वैसे करेंगे। हाँ ये मर्यादा को रक्षा करते हुए बोले जब वो वापस आए ना पूजा करके जैसे देखना जो व्यक्ति ठाकुर को सेवा पूजा करता है अपूर प्रभु चंदन से श्रृंगार करता है ना वो हाथ बार बार कपड़ा पे लगता उसका शरीर से भी खुशबू आती। जब उन्होंने आए उनको शरीर से बड़ी सुंदर पुष्पों की चंदन अपूर प्रभु की खुशबू आ रहा था सुंदर खुशबू आ रहा अच्छा आ रहा है। इतने में तब उन्होंने रात को जब उन्हें रुके उनको बेटी ललिता पूछे हमारे पिता ने कहा जाते हैं रोज बोले एक नील माधव है वो उनको रोज पूजा करने के लिए जाते हैं भगवान मैं तो उनको ही ढूंढ रहा हूँ मैं तो उनको ही ढूंढ रहा हूँ। तब उन्होंने क्या किया उनका जो बेटी थी ना ये भी जवान थे वो भी जवान थी तो उन्होंने जान बूझ के लिए ब्राह्मण करके वो नील करके लेकिन वो जान बूझ करके ना उनके साथ प्रेम कर लिया क्यों ये बात को निकालने के लिए उन्होंने उनके साथ में प्रेम कर ली बोले और उसके साथ में शादी कर लिया बोले एक बार तुम्हारे पिता को बोलना हमें थोड़ा सी वो नील माधव का दर्शन लग रहा है पिताजी को बोलना पिताजी मना किया लेकिन बोले नहीं तो मेरे पति चले जाएंगे तो मैं जल खा कर बच जाऊंगा। इतने में उनको लेकर गए आप शायद पता जाते हो कैसे उन्होंने ठाकुर जी को प्रकाशित किया है फिर वही कैसे ठाकुर जी लकड़ी बन करके आए इसलिए उसमें अभी जो विद्यापति का दो पत्नी हो गई कौन हो गई एक भील जाति की जो ललिता हो गई और ये ब्राह्मण घर में थे ब्राह्मण घर के पहले भी इनका भी पत्नी जो पहले जो इनका जो पत्नी आती उनसे भी एक बच्चा निकली और जो भील जाति से जो ललिता से शादी की इनके भी बच्चे हुए। अभी क्या होता है पूरी में उनको जो साल भर जो 11 महीना जो पूजा करते हैं उनको जो ब्राह्मण जो कन्या थी उनसे जो बच्चे हुए ये सब क्या कहते हैं जगन्नाथ की
सेवा पूजा साल भर तक करते हैं ये लोग। लेकिन जो ये एक महीना की जो पूजा है, ये ललिता से जो बच्चे हुए हैं इनका जो परिवार भी एक जाकर ये करते हैं। बोले क्यों, कभी रहने वाले जंगल के, इसलिए इनका जो भावना, उनको जो बच्चे हुए उनको कहते दैता। दैता मतलब दैत से ये दैता, दैता मतलब प्रिय है। जैसे कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, ब्रजवासी। अभी कृष्ण कहाँ जाएंगे, आज वृंदावन जाएंगे। 15 दिन से जब से जगन्नाथ जी को स्नान कराया गया तब से लेकर के जगन्नाथ जब वापस आएंगे करीब एक महीना हो जाएगा। और जो एक महीना इनकी पूजा है, और इनकी ये कैसे करते हैं कि जंगल में रहने वाले, मतलब ये वृंदावन के भाव से पूजा करने वाले हैं, वृंदावन भाव से। और वहाँ ब्राह्मण घर से जो हो गया ऐश्वर्य भाव से, और द्वारका भाव से, वैकुंठ भाव से, ऐश्वर्य भाव से पूजा सेवा करते हैं। लेकिन ये लोग जो पूजा सेवा करते हैं भक्ति भाव से, प्रेम से, ब्रजभाव है, इसलिए इनको ब्रजभाव से। इसलिए कहते कि जो दैता बड़े मत हाथी जैसे, और ये जैसे जगन्नाथ जी उठा के बैठ जाते हैं, जगन्नाथ जी को खिलाना पिलाना, उनको ले आना, और उनको कहाँ पर ले जाएंगे, आज ले जाएंगे वृंदावन, गुंडीचा मंदिर को वृंदावन है। केवल ब्रज भाव से ये सबके सब सेवा करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, कहते ये दैता कहते हैं। और जगन्नाथ जी को वैसे हाथ पकड़ करके उनको कमर में रस्सी बांध करके यहाँ पर रखते, बहुत बड़े हैं ना, तो बहुत बड़े ठाकुर जी, बहुत भोजन है, बहुत भोजन ठाकुर जी को, ऐसे ठाकुर को ऐसे ऐसे हिला हिला करके, ठाकुर जी को ऐसे ऐसे हिला हिला करके उठा नहीं सकते, रस्सी बांध करके चारी तरफ में उनको हिला हिला करके ले जाते हैं। और जब चलते हैं ना ठाकुर, झुकते झुकते इधर इधर होते जाते हैं, मतलब क्या ये अभी राधा रानी के प्रेम से झुम झुम करके जा रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ की जो बेहोश हो गए थे, कृष्णा अपनी ब्रज की कथा सुनते सुनते बेहोश हो गए थे, नारद जब कीर्तन किया अभी इन्होंने प्रेम से उठे हैं, इसलिए जो ऐसे झूम रहे मतलब ब्रज भाव से झूमते 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 आज जगन्नाथ जी रथ को पर बनाएंगे। ठीक है, शाम को पर इसके आगे कथा सुनाएंगे, महाप्रभु कैसे भक्तों के साथ कैसे जगन्नाथ जी रथ यात्रा में ले जाए। ठीक है, बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री बलदेव प्रभु की जय, सुभद्रा देवी की जय, जगन्नाथ जय सुदर्शन चक्र की जय, गौर हरी।